हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल प्रोजोन इंग्लिश एकेडमी। और मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ ग्रामर से रिलेटेड कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सारे रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन में ग्रामर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं कि एकेडमिक से लेकर के चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th, 12th, हर जगह पे ग्रामर है। इवन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैंकिंग SSC या CSAT का एग्जामिनेशन है। इवन यू कैन टॉक अबाउट CLAT, CAT, ये सारे जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, तो सब में ग्रामर का बहुत ज़्यादा योगदान होता है और काफ़ी ज़्यादा उससे क्वेश्चंस आते हैं। इवन कि मैं ये कह दूँ कि क्लोज टेस्ट जो आप लोगों का आता है वो भी ग्रामर बेस्ड है। और अगर आप कहें कि PQRS है तो उसको भी आप ग्रामर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो दोस्तों, ग्रामर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं आप लोगों को वो ऑर्थोडॉक्सी कॉन्सेप्ट्स नहीं बताने जा रहा हूँ कि ग्रामर में जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, सर्विस के जितने भी ऑर्थोडॉक्सी कॉन्सेप्ट्स हैं एंड डेफिनेशन, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, राइट। मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ कुछ नए चीज़ें, या फिर आप कह सकते हैं कि यूनिक है, जो आप रिलेट करोगे अदर चीज़ों से। जिन लोगों का बेसिक क्लियर है उनके लिए ही ये कॉन्सेप्ट्स हैं। अदरवाइज बेसिक क्लास के लिए मैं आप लोगों को अपलोड करूंगा इस क्लास के बाद में, राइट। तो लेट्स वी बिगिन, स्टार्ट करते हैं इस चीज़ों को समझने के लिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज मैं क्लास में आपको क्या बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों को। मैं स्टार्ट तो कर रहा हूँ आपके नाउन से ही। नाउन मीन्स नेम। ये क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले यही ज़रूरी है कि क्यों हमें ग्रामर पढ़ना चाहिए। हर जगह आपका जो वाई है ना, दैट मस्ट बी क्लियर। वाई क्लियर होना चाहिए, क्यों हम पढ़ रहे हैं, नाउन्स को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो जितने भी आपके सेंटेंसेस होते हैं वो सब के सब सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, और सब्जेक्ट में दो चीज़ कंसिस्ट होता है, या तो नाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट, क्योंकि उसको एक सब्जेक्ट चाहिए होगा और बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस अधूरा होता है, वो कंप्लीट नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए कि अगर इस सेंटेंस को सेंटेंस कहना है तो दो चीज़ों का होना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होता है, एक सब्जेक्ट का और एक वर्ब का। ये सब्जेक्ट एंड एक वर्ब। अगर मैंने कहा सपोज आई, तो ये सब्जेक्ट है लेकिन एक सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे एक कोई वर्ब होना चाहिए, लाइक आई ईट, राइट। तो ये एक सेंटेंस कहला गया। अब इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लग भी सकते हो या नहीं भी, दैट इज बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आप डाल सकते हो आई ईट मैंगो, राइट। तो ये सेंटेंस कहलाया। ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेगा कोई फर्क नहीं। हमें आज पढ़ना है इसी नाउन के बारे में कि नाउन का आखिर यूज कहाँ है। तो नाउन का जो यूज है वो या तो सब्जेक्ट के प्लेस पे है या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, ये दो जगह पर है। किसका? नाउन का यूज या नाउन इक्विवेलेंट। तो आज हम लोग यही चीज पढ़ेंगे कि नाउन है क्या, यूनिक चीज है, कुछ अलग चीज है, राइट, ऑर्थोडॉक्स नहीं। तो इसमें दो चीज हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट में, या तो नाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट कहने का मतलब है कि नाउन के बराबर। बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें हैं जो नाउन के बराबर काम करते हैं, मतलब उनकी भी चर्चा होती है। तो जितने भी, चाहे डूअर हो, काम करने वाला हो या चर्चा का विषय हो, वो सब के सब क्या होते हैं, वो नाउन होते हैं। तो ये नाउन मतलब नाम, चाहे दुनिया में कोई भी चीज़ होगा अगर उसका नाम है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, आसमान में हो या फिर समंदर के नीचे हो, ये सारे के सारे क्या होंगे, नाउन होगा, राइट। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो एक्शन है, वो कोई चीज़ दिखता नहीं है, एक्शन है। आप कोई काम करते हैं लेकिन उसका भी चर्चा कर सकते हैं। आपकी फीलिंग्स है, उसका भी चर्चा आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो एडजेक्टिव हो सकता है या फिर आपका वर्ब हो सकता है, एक्शन हो सकता है। तो वर्ब भी आपका नाउन के इक्विवेलेंट हो सकता है, एडजेक्टिव भी आपके नाउन के इक्विवेलेंट होता है। तो कैसे ये
काम करता है, इन सारी चीजों को आज हम लोग सीखेंगे। तो नाउन या फिर नाउन के बराबर, ये दो चीज सब्जेक्ट हो सकते हैं या फिर यही दो चीज ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, क्योंकि नाउन इन दोनों प्लेस पे आ सकता है। तो चाहे वो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो ये चीज आप लोगों ने सीखा कि नाउन या नाउन के बराबर। तो नाउन के बराबर में अभी मैंने आप लोगों को नहीं बताया है, आगे हम क्लास में बताएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट जो है वो दो चीज कंसिस्ट करता है, एक नाउन है और एक नाउन के बराबर है। नाउन के बराबर क्या क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जेरंड की अगर हम बात कर लें, राइट, या फिर हम लोग इन्फिनेटिव की बात कर सकते हैं, वो भी हमारे नाउन के बराबर ही होता है। तो क्या क्या चीजें नाउन के बराबर हो सकते हैं, उन सारी चीजें, प्रोनाउन जो है नाउन के बदले में जो आता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो सब्जेक्ट हो सकते हैं, और एक है आपका नाउन जो कि सब्जेक्ट हो सकता है। तो सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, नाउन के बराबर भी, और यही दोनों चीज ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी जा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसको कौन कौन क्वालिफाई कर सकता है, ये सब लेटर क्लासेस में हम डालते चले जाएंगे, लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है कि हमें समझना है कि व्हाट इज नाउन और नाउन के बराबर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। आइए देखते हैं। तो बहुत सारे नाउन आपके सामने में है, चाहे वो आसमान में हो स्टार मून, या फिर समुद्र में सी माउंटेन, सारे चीज नाउन, राइट। तो उन लोगों का क्लासिफिकेशन बहुत सारे बेस पर हुआ, काउंटिंग के आधार पर क्लासिफाइड किया गया, कुछ को बोला गया सिंगुलर है, कुछ को बोला गया प्लूरल है, किसी चीज़ों को बोला गया कि ये से गिन नहीं सकते। तो थोड़ा सा उसके बेसिस पे भी हम आपको ग्लिम्स देना चाहेंगे कि जो नाउन हुआ उसको हम लोगों ने काउंटिंग के बेस पे क्लासिफाइड किया है। तो नाउन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग। तो आप ये चीजों को भी समझ लो आराम से, बिल्कुल आसान है। तो एक को कहा गया काउंटेबल। अब देखो ये भी आप लोगों ने पढ़ा ही है, काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं यूनिकनेस क्या है इसमें। काउंटेबल किसको बोल रहे हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, राइट, किसी भी चीजों को। मैंने पेन बोला तो एक दो तीन चार पांच पेन हो सकता है, तो पेन का प्लूरल पेन्स। दूसरा क्या है अनकाउंटेबल। अब ये अनकाउंटेबल जहां बात आती है हमें समझ में आता है कि जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, लेकिन मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि ऐसी परिभाषा क्यों दी जाती है। अनकाउंटेबल का मतलब है विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे गिना नहीं जा सकता है। लेकिन जैसे हम बाल की ही बात करते हैं तो ये हेयर क्या है, गिन नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि गिन कैसे नहीं सकते हैं। एक्चुअली जो इसकी अवस्था है, इसका जो स्टेट है, तो इस स्टेट में, इस अवस्था में इसे हम लोग गिन नहीं सकते, बात सही है। तो इस अवस्था में हम लोग गिन नहीं सकते हैं, लेकिन अगर इस चीज़ों को हम अलग कर करके, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं बाल तोड़ करके ऐसे आपको शो करूँ, तो इस अवस्था में गिनी जा सकती है। जिस तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं स्टार की, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा स्टार, तो आप ये बताइए कि क्या स्टार को हम लोग गिन नहीं सकते। हाँ, गिन नहीं सकते। कब नहीं गिन सकते, जब हम उस पूरे स्टार की बात करते हैं तब नहीं गिन सकते। लेकिन अगर एक स्टार की बात करते हैं, दो स्टार की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में हम एक दो कहते हैं, मतलब कि उसे गिना जा रहा है, मतलब कि वैसे चीजें जो काफी ज्यादा तादाद में पाई जा रही हैं उसको गिनना मुश्किल है। और जब भी उसको मुश्किल गिनना उसका मुश्किल है तो हम उसको अनकाउंटेबल ही बोलेंगे, काउंटेबल नहीं बोलेंगे। लेकिन हो सकता है कि इसे हम, अगर कोई एक चमकता तारा है तो उसे कह सकते हैं देयर इज अ शाइनिंग स्टार। तो जब हम आर्टिकल ए यूज कर रहे हैं उसके साथ में, इसका मतलब क्या है कि ये काउंटेबल है, अ स्टार कह रहे हैं, या अगर हमको दो कहना है तो टू स्टार्स। तो बात यहाँ पे हमें समझ में आ रही है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो काफी ज्यादा होने की वजह से उनको गिनना मुश्किल है। आप हेयर की बात कर लीजिए, ये भी क्या है, ये अनकाउंटेबल है,
क्यों? क्योंकि इसको गिना नहीं जा सकता है. क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा है. ऐसा नहीं है कि गिना नहीं जाता है. अब आपको डिफरेंस मैं समझा दूं कि स्टार और वाटर में क्या डिफरेंस है. पानी जिसको हम लोग किसी भी स्टेट, किसी भी कंडीशन, किसी भी अवस्था में गिन नहीं सकते हैं, माप या तौल सकते हैं. और मापने और तौलने का यंत्र जो होता है, मेजरमेंट करने का, तो उसको हम लोग गिन सकते हैं. जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर, तो ग्लास को गिना जा सकता है लेकिन वाटर को नहीं गिन सकते. तो वाटर को माप रहे हैं ग्लास से, बकेट से, बाल्टी से, जग से, जिससे भी आप मापना चाहते हो उसको मेजर कर सकते हो. लेकिन वाटर को आप काउंटेबल के फॉर्म में नहीं ला सकते, ये अनकाउंटेबल के फॉर्म में रहेगा. ग्लास से माप सकते हैं, तो ग्लासेस एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी ग्लासेस आप कह सकते हैं. तो अ ग्लास ऑफ वाटर गेट टू ग्लासेस ऑफ वाटर, लेकिन वाटर ही रहेगा, उसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करेंगे. लेकिन स्टार के कभी ये काउंटेबल भी है और कभी ये अनकाउंटेबल भी है. तो पता ये चलता है दोस्तों कि अनकाउंटेबल में दो चीजें हैं, एक जिसको बिल्कुल भी नहीं गिन सकते, और दूसरा जिसको किसी स्टेट, अवस्था, जब वो बहुत ज्यादा तादाद में पाया जाता है तब नहीं गिन सकते. लेकिन एक, दो, चार, पांच की अगर बात करते हैं तो उसे हम गिन सकते हैं, काउंटेबल फॉर्म में ला सकते हैं. तो आइए थोड़ा सा इसी चीजों को समझना भी है, थोड़ा ध्यान से देखते हुए चलेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को आसानी से. तो अनकाउंटेबल के जो पार्ट है वो दो है. एक है विच कैन नॉट बी काउंटेड, और दूसरा है, जैसे कि हम लोग यहां पे वाटर या नॉलेज, लव, हेट, ये सारे क्या है, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सारे के सारे क्या है, अनकाउंटेबल है, जिसको कभी भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं. दूसरा है विच इज नॉट ईजी टू काउंट, जिसे आसानी से नहीं गिना जा सकता. जैसे स्टार की मैंने बात की, जैसे हेयर की मैंने बात की, लेकिन इसको हम लोग गिन सकते हैं. तो स्टार, जब पूरे तारे के बारे में बात की जाएगी तो वो क्या होगा, अनकाउंटेबल. लेकिन एक के बारे में बात करेंगे तो वो काउंटेबल होगा. हेयर, पूरे बाल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो अनकाउंटेबल होगा, लेकिन एक बाल के बारे में बात करेंगे तो वो काउंटेबल होगा. तो दोस्तों हम लोगों ने क्या सीखा कि अनकाउंटेबल में एक ऐसा फॉर्म है जो बिल्कुल भी गिना नहीं जा सकता, दूसरा एक ऐसा फॉर्म है जिसको कभी गिन सकते और कभी नहीं गिन सकते. मतलब क्या है कि अनकाउंटेबल ऐसे भी होते हैं जो काउंटेबल बन सकते हैं, अनकाउंटेबल ऐसे भी होते हैं जो काउंटेबल बन सकते हैं. मतलब कि स्टार एंड हेयर यहां पे अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर हम यहां पे बोलते हैं आ स्टार या स्टार्स, तो ये आपके क्या है, ये काउंटेबल फॉर्म है, इसे गिन सकते हैं, राइट. तो अब बात ये आती है कि क्या अनकाउंटेबल, जब अनकाउंटेबल काउंटेबल बन सकता है तो क्या काउंटेबल अनकाउंटेबल भी बन सकता है. दोस्तों यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि जब काउंटेबल अनकाउंटेबल काउंटेबल बन सकता है तो क्या अनकाउंटेबल काउंटेबल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है. अब मैं आप लोगों को एसएससी में आए हुए एग्जाम्पल से ही बताऊंगा. तो हमारे पास क्या आ रहा है कि अच्छा, बहुत ज्यादा होने पर, आप लोगों को थोड़ा सा मैं लेकर भी जाता हूं, कलेक्टिव नाउंस कब हो जाते हैं, कलेक्टिव नाउंस उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा. लेकिन यहां पे समझिएगा कि काउंटेबल भी अनकाउंटेबल हो सकते हैं और अनकाउंटेबल के कुछ चीजें काउंटेबल भी हो सकती है. इसको ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, काउंटेबल चीजें अनकाउंटेबल भी हो सकती है. अनकाउंटेबल का ये वाला पार्ट नहीं कि जो बाय बर्थ हमेशा से शुरू से ही क्या है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं. ये वाला जो है इसको कभी कभी गिना भी जा सकता है और कभी नहीं गिना. क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत इतना ज्यादा है, उसकी तादाद इतना ज्यादा क्वांटिटी है
कि उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम अलग अलग देखते हैं तो उसे गिना भी जा सकता है। यहाँ पे हम स्टार भी कर सकते हैं, स्टार और यहाँ पे स्टार्स दोनों कर सकते हैं, और अगर पूरे की बात करें तो स्टार होगा। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर कैसे काउंटेबल चीज़ों को अनकाउंटेबल में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों जरा ये बताइए कि अगर मैं बात करता हूँ ब्रिक, तो ये ब्रिक क्या है? ये काउंटेबल है, ये सिंगुलर फॉर्म है, और इसका प्लुरल क्या होगा? ब्रिक्स, ये प्लुरल फॉर्म है। जानते हैं अगर एक ब्रिक है तो वन ब्रिक, टू है तो टू ब्रिक्स, थ्री है तो थ्री ब्रिक्स, फोर है तो फोर ब्रिक्स, तो इसी तरीके से काउंटिंग होता चला जा रहा है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके घर में कितने ब्रिक्स हैं, ये आपका जो घर बना है वो कितने ईंटों से बना है, तो क्या ये गिनना पॉसिबल है? तो नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ब्रिक को बाय बर्थ जब वो पैदा हुआ तो उसको गिन सकते हैं, सिंगुलर एंड प्लुरल, लेकिन जब हम उसको कुछ ऐसे जगह पर लगा देते हैं जिसका गिनना पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसे गिना नहीं जाता था, गिना जाता था, लेकिन इतना ज़्यादा अब हो गया है। जैसे कि मैं बात करूँ कि कुतुब मीनार में कितने ब्रिक हैं, तो पॉसिबल नहीं है। ताजमहल में कितने स्टोन हैं, पॉसिबल नहीं है। तो इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन था, मैं इरेज करने जा रहा हूं चीजों को। एक क्वेश्चन था द ब्रिक्स ऑफ this building is old, the bricks of this building is old। तो सभी का सोचना क्या है? सोचना यह है कि ये बिल्डिंग में लगे हुए ब्रिक्स, तो बिल्डिंग एक ब्रिक से नहीं बनेगी, यही सोचेंगे लोग। तो वो सोचते हैं कि ये ब्रिक्स जो है ये सही है, ब्रिक्स सही है, क्योंकि बिल्डिंग का बहुत सारे ब्रिक्स होगा। यहाँ पर इस गलत है, इस की जगह पे आपको क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए, ये लोग सोचेंगे, लेकिन ये गलत है। ये इस सही है, ये ब्रिक्स रॉन्ग है। यहाँ पर एस नहीं होना चाहिए, क्या होगा? द ब्रिक ऑफ दिस बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग में लगा हुआ ब्रिक्स जो है इतना ज़्यादा है कि इसको गिनना पॉसिबल नहीं है, और जब गिन नहीं सकते तो प्लुरल नहीं बनेगा, वो ऑलवेज क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा। जिस तरीके से हम लोग वाटर लिखते हैं, वाटर इज इम्प्योर बोलते हैं, वाटर आर कभी नहीं बोलते। तो द ब्रिक ऑफ दिस बिल्डिंग इज ओल्ड, ये इज सही है, यहां पर आपका एस नहीं होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में बात आई होगी। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको पूरा का पूरा ये क्लियर करेगा क्या कि बहुत सारे ऐसे चीजें होंगे। मैंने अगर मैं बोलूंगा कि द स्टोन्स ऑफ ताजमहल, यहां पे लिखा है द स्टोन्स ऑफ ताजमहल, तो आप समझ रहे हैं ये जनरल फिनोमेना होगा कि ताजमहल तो बहुत सारे स्टोन से बना हुआ है, तो ये सही होना चाहिए स्टोन्स ऑफ ताजमहल, लेकिन नहीं, स्टोन जो लगा हुआ है ताजमहल में वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसे अनकाउंटेबल होना पड़ेगा, काउंटेबल होने के बावजूद भी, और अनकाउंटेबल होने के लिए उसका एस को हटा देना पड़ेगा, द स्टोन ऑफ ताजमहल, तब जाकर के ये सही होगा। तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि बहुत सारे चीज़ अगर आ गए एक जगह पर जिसको गिनना पॉसिबल नहीं है, तो वो काउंटेबल होने के बावजूद भी वहाँ पर हमें अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो कभी कभी आप देखते भी होंगे कि वैसे सेंटेंस लिखे हैं जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म है, तो उसका दो चीज़ें हो सकता है। अब मैं आप लोगों को इसको और ड्रैग कर करके बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ यही समझना है कि अनकाउंटेबल का जो सेकंड वाला फॉर्म था स्टार एंड हेयर वाला, तो वो काउंटेबल भी हो सकता है, और काउंटेबल के बहुत सारे चीज़ अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। वो काउंटेबल के बहुत सारे चीज अनकाउंटेबल कब होंगे? जब वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, तो वो आपके अनकाउंटेबल फॉर्म में हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा इस चीजों को, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स को बताने की कोशिश करता हूं। मोस्ट ऑफ दी जो आपके एग्जामिनेशन में ER
और सॉरी आर वाई और ई आर वाई के को जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, आर वाई और ई आर वाई, इसको भी दोस्तों आप लोगों को याद रखना चाहिए। ये जनरली मैं बस ये नहीं बता रहा हूँ कि हाँ हमेशा ऐसा होता है, ये जनरली क्या बताते हैं, ग्रुप बताते हैं, ग्रुप या कलेक्शन, राइट, जिस वर्ड के अंत में ये लगा होता है, आर वाई एंड ई आर वाई। ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग के अंत में, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग के अंत में अगर ये लगा हुआ है तो ये क्या होगा, ये होगा प्लूरल, और नॉन लिविंग के अंत में अगर ये लगा है तो ये होगा सिंगुलर। जैसे आप देख लो, मैंने लिखा है लिविंग में जेंट्री, मैंने लिखा है पीजेंट्री, जेंट्री पीजेंट्री इन्फेंट्री कैवलरी इन्फेंट्री कैवलरी पॉल्ट्री, तो इसी तरीके से राइट। इसमें हम बात करते हैं स्टेशनरी या पोएट्री या मशीनरी या पोल्ट्री सॉरी और भी बहुत सारे ऐसे हैं, स्टेशनरी पोएट्री है मशीनरी है। तो इन सब में आप देख रहे हो कि आर वाई लगा हुआ है लास्ट में। व्हाट इज द मीन ऑफ पोएट्री का मतलब ही क्या होता है, लोग सोचते हैं कि पोएट्री का प्लूरल होता है पोएट्रीज, नहीं, पोम का जो पोम होते हैं जिसको हम लोग पोएम बोलते हैं, पोम का जो प्लूरल होगा वो होता है पोम्स, राइट। पोएट्री क्या होता है, जो हमारे थॉट्स होते हैं उसका एक कलेक्शन है, तो कह सकते हैं कि मन और दिमाग में सोचे गए ख्यालात का वो कलेक्शन को ही हम लोग पोएट्री बोलते हैं, और उसको हम लोग देख नहीं सकते, राइट। तो जिसको देख नहीं सकते वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, और जो एब्स्ट्रैक्ट होता है उसको हम लोग काउंटेबल फॉर्म में नहीं बना सकते, उसको हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते। तो स्टेशनरी है, मशीनरी है, पोएट्री है, ये सब नॉन लिविंग है, तो ये सिंगुलर है। यहाँ पर जेंट्री है, पीजेंट्री, जेंट्री का मतलब क्या होता है, अमीर लोगों का ग्रुप, पीजेंट्री का मतलब क्या होता है, गरीब किसानों का ग्रुप, इन्फेंट्री पैदल सेना का ग्रुप, और कैवलरी घोड़ा सवार सेना का ग्रुप, और पोल्ट्री पोल्ट्री होता है जहाँ मुर्गी पालन वगैरह होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, सब लिविंग है। तो सब के अंत में आर वाई है, मतलब क्या है कि ये ग्रुप है, और ग्रुप कैसा है, तो लिविंग का ग्रुप है, तो लिविंग का ग्रुप है तो क्या होगा, प्लूरल, और ये नॉन लिविंग का ग्रुप है तो क्या होगा, स्टेशनरी। क्या है स्टेशनरी, सिर्फ पेन नहीं है, उसमें बहुत सारे और आइटम्स आते हैं। मशीनरी का मतलब एक मशीन नहीं है, बहुत सारे पार्ट्स से बनकर के जो बना होता है। पोएट्री का मतलब कि एक लाइन नहीं है, बहुत सारे थॉट्स से मिलकर के वो बने होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके ग्रुप्स हैं, लेकिन ये नॉन लिविंग के हैं तो ये सिंगुलर होंगे, और ये लिविंग के हैं तो ये प्लूरल होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इनके साथ में हम लोग प्लूरल वर्ब को यूज़ करते हैं, और इनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कुछ नए टिप्स। राइट, जो वर्ड के अंत में वेयर लगा हो, हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, स्टीलवेयर हो, जो भी हो, वो सारे के सारे क्या होंगे, ये सब के सब सिंगुलर। ये सब के सब आपके क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को बीच बीच में वोकैबुलरी के भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूँगा, जो उससे रिलेटेड, जो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड वर्ड्स जनरेट होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आर वाई फैक्टर से, आर वाई और ई आर वाई फैक्टर से एक ग्रुप को संबोधित किया जाता है, बताया जाता है जनरली। तो उसमें लिविंग होगा तो वो प्लूरल होगा, नॉन लिविंग होगा तो वो सिंगुलर होंगे। और वेयर फैक्टर से ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। स्टील वेयर है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ये सब के सब। तो गाइस,
कुछ इसी तरीके के टिप्स मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, जो कि अभी नाउन से रिलेटेड होंगे। ये पार्ट वन है। पार्ट टू में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे नाउन्स जो है और भी अलग अलग तरीके से आता है, और किस तरीके से नाउन इक्विवेलेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नाउन के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए जानने के लिए। सारे जितने भी लोगों के इंग्लिश पेपर होते हैं ग्रामर के, तो लैंग्वेज के, तो उनमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको जानना। क्यों जानना ज़रूरी होता है एक बार और आप लोगों को मैं बता दूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आता है सिंगुलर और प्लूरल के बेस पे, मतलब कि नंबर्स के बेस पे। तो गाइस बिल्कुल ही इस चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि आपके रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।